हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन क्रिएशंस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किड्स बैटरी राइड ऑन जीप, जिसका मॉडल नंबर है J21B। इसका एक मॉडल नंबर और भी है 888। बहुत ही अच्छी जीप है, डबल बैटरी डबल मोटर वाली, इकोनॉमिकल रेंज की और मिड सेगमेंट की जीप है। और इसमें दो टाइप के वेरियंट आते हैं, कलर्स तो अलग अलग आती हैं, मगर एक नॉन पेंटेड आता है, एक पेंटेड कलर आता है, पेंटेड मतलब मेटालिक कलर। आज हम आपको इसकी असेंबली की वीडियो बना के बताएंगे कि इस गाड़ी को जब आप हमसे ख़रीदते हैं और आपके पास बॉक्स पैकिंग पहुंचती है, तो उसके बाद इसको कैसे असेंबल करते हैं। इसका फीचर वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है फीचर वीडियो का, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसको बॉक्स से बाहर निकाल दिया है, और इसके बॉक्स के अंदर ये दो टायर और ये सीट इसके ऊपर रखी होती है, उसके बाद ये वाला होता है। इसके अंदर फिर जो सामान है वो निकालते हैं हम। इसके दो टायर बाकी के ये इसके अंदर आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये वाला इसका फ्रंट वाला जो ग्लास है वो है। इसी में एक और मॉडल आता है J21A, जो कि फोर्ड का मॉडल बोलते हैं। उसमें ग्लास की जगह पर एक वो फ्रेम आती है। ये इसका बाकी सारा एसेसरीज है, जो पीछे वाला पाइप, रिमोट, चार्जर, व्हील कैप और छोटे मोटे स्क्रूज वगैरह इसके अंदर हैं। ये इसका स्टेयरिंग है। ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इसी के अंदर आता है। आप चाहो तो इसको देख के भी असेंबल कर सकते हो, या हमारा वीडियो देख के भी असेंबल कर सकते हो। इसमें जनरल प्रिकॉशन और इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप वो भी देख सकते हो। और एक ये है सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट भी हम आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं। ये हो गई हमारी गाड़ी। जो भी मेटालिक कलर होता है उसके आगे ये ऐसा एक पन्नी लगा के आता है, ताकि स्क्रैचेस नहीं लगे। ये जो आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक कलर है, नॉन मेटालिक। इसकी भी शाइन बहुत अच्छी है, और ये मेटालिक कलर है, ये पेंटेड बोलते हैं इसको। तो अब सबसे पहले हम इसके चारों टायर लगाएंगे। टायर लगाने के लिए हम इसको दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ऐसे खड़े करके या पूरा उल्टा करके लगा सकते हैं। चूँकि ये मेटालिक कलर है तो हम पूरा उल्टा नहीं करेंगे, ताकि स्क्रैचेस कम से कम आए। तो हम ये देखिए, इस पर आप देख सकते हैं कि ये नट लगता है, वॉशर और नट। तो मैं आपको एक साइड के टायर लगा के बताऊंगा, सेम उसी टाइप से दूसरे साइड के टायर भी लगेंगे। इसमें चारों टायर सेम है, एक जैसे ही हैं। कोई भी टायर आप फ्रंट पर लगा सकते हो, कोई भी बैक में लगा सकते हो। फ्रंट वाला टायर लगाने के लिए आपको पहले वॉशर इसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद ये टायर आपको ऐसे इंसर्ट करना है। और बैक वाला जो टायर है वो ये देखिए, वो भी सेम है। हाँ, ये वॉशर डालना है आपको और फिर नट लगाना है। और ये पीछे वाला हो गया। पीछे वाले में आप देख सकते हो गियर बॉक्स है। मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, क्योंकि ये टू व्हील ड्राइव है, मतलब डबल मोटर, तो इसके पीछे वालों में दोनों में गियर बॉक्स है, आप देख सकते हैं। ये जो रबर बैंड है, ये गियर को इस बॉडी से अटैच करने के लिए लगा रखा है। आप जब असेंबल करो तो चाहो तो आप निकाल सकते हो इसको, और लगा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। किसी किसी में टेप लगती है, किसी में रबर बैंड लगता है, ठीक है। आप ये जो है, ये टायर देखिए, आगे पीछे वाला सेम ही है। आपको इस टायर को इंसर्ट करना है यहाँ पर। ये इंसर्ट किया, फिर एक वॉशर और एक नट लगाना है आपको। सेम इसी टाइप से आपको उधर के टायर भी लगाने हैं। हमने इस गाड़ी के चारों टायर लगा दिए हैं, और आपको हर टायर के बाद एक वॉशर और एक नट लगाना है। इस गाड़ी के साथ ना दो वॉशर कम आए थे, तो हम लोग जो हमारे यहाँ से भेजते हैं वो कंप्लीट चेक करके भेजते हैं कि वॉशर कम नहीं पड़े। अभी तो हमने हमारे पास था, वो एडजस्ट करके लगाया। प्लस साथ में हम ऐसे दो स्पैनर भेजते हैं, 17 नंबर का स्पैनर लगता है इस नट को टाइट करने के लिए, ये वाले को। तो हम हमारी हर गाड़ी में, ऑलमोस्ट सब में भेजते हैं ये वाला स्पैनर रहता है। ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे आपको टाइट करना है। जो फ्रंट वाले हैं वो आप इंडिविजुअल टाइट कर सकते हो, मतलब कि आपको एक एक करके टाइट करना है, और आपको देखना है कि टायर लूज़ रहे। टायर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसे हिलना नहीं चाहिए और ऐसे लूज़ रहे। सेम इसी टाइप से आपको उस साइड वाला टायर टाइट करना है। अब जो रिवर्स वाले हैं, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है,
वो चीज़ है कि आपको दोनों साइड से पकड़ के टाइट करना है, एक इधर से और एक इधर से, और फिर टाइट करना है, नहीं तो वो घूमता ही रहेगा और टाइट नहीं होगा। ये देखिए आपने देखा, ये दोनों साइड से उस साइड से पकड़ा हुआ था मैंने, अभी ये साइड से टाइट कर रहा हूँ मैं। और आगे वाला भी आपको सेम इसी टाइप से टाइट करना है। हमने चारों टायर टाइट भी कर दिए हैं, चारों टायर। अब इसके साथ ये पॉलीथिन में हमने इसके चारों टायर टाइट कर दिए हैं। अब इसके साथ जो सामान आया है ये पॉलीथिन है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अब देख सकते हो ये इसके बैक साइड वाले हैं, यहाँ पे ऐसे लगेंगे ये और ये, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे लगते हैं। इसका रिमोट है, अब जो हमसे परचेज करेंगे हम उसके रिमोट में सेल डाल के गाड़ी से पैर करके देंगे। ये पीछे वाला इसका है, ये दोनों इसके साइड मिरर है। ये चार्जर और ये चारों इसके व्हील कैप है, क्योंकि हमने इसकी व्हील्स टाइट कर दिए हैं तो आप ये व्हील कैप लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसमें लॉक सिस्टम है, ये ऐसे व्हील कैप लग गई है। इसी टाइप से आपको चारों व्हील कैप लगानी है। अब सबसे पहले अपन इसका स्टीयरिंग लगाएंगे। स्टीयरिंग लगाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से अच्छे से दिख पाए। ये देखिए ये वायर है जो टेप से लगा हुआ है, ये टेप निकालनी है आपको। ये स्टीयरिंग, ये वायर मेल फीमेल आपको पिन कनेक्ट करनी है। इधर से हल्का सा ये नॉच बना हुआ है जो इस लॉक के साइड जाएगा, ये देखिए ऐसा। फिर इसको धीरे धीरे आपको अंदर इंसर्ट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नट बोल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको ये खोलना है। इस बोल्ट को ऐसे बाहर निकालना है, ये नट बोल्ट निकल गया। स्टीयरिंग आपको इसके अंदर डालना है, आपको देखना है स्टीयरिंग सीधा कैसे है। ये जो ऊपर ये खुला पार्ट है ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहेगा। ये हमने इसको होल में डाला। अब आपको आगे की टायर ऐसे सीधे रख के और स्टीयरिंग सीधा रख के इसका होल अलाइन करना है। बहुत इजीली अलाइन हो जाता है। फिर इस साइड से जिधर ये राउंड है उधर से आपको बोल्ट इंसर्ट करना है, और जिधर ऐसे हेक्सागन शेप है उधर से आपको नट डालना है। ये देखिए अपन ने ये इंसर्ट किया, इधर अपन ने नट डाल दिया। और इसको एक बार चाहो तो आप चेक कर सकते हो क्या टायर घूम रहा है, तो सही लगा है तो आप इसको टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये टाइट हो गया अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके एसेसरीज लगाएंगे सारे। एक टाइप से ये गाड़ी ऑलमोस्ट असेंबल हो चुकी है। अब अपन को ये लगाना है बैक साइड का, ये वाला थैली हमको हटाना पड़ेगा फिलहाल के लिए, या फिर आप चाहें चूँकि ये पेंटेड है तो यहाँ पे पेंट वाला कलर है तो इस पर स्क्रैचेस नहीं आए इसलिए ये लगा हुआ है। आप एक बार इसका गेट खोल के इसको अंदर से ऐसे चिपका दें, यहाँ पे ऐसे आपको टाइट प्रेस करना है। यहाँ पे एक स्क्रू लग रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्क्रू है। आपको इस स्क्रू को निकालना है दोनों साइड से। ये वाला इस साइड लगाना है, ये जो है लाइट इसके अंदर ऐसे जाएगी। अब जो हमने स्क्रू निकाले थे दोनों वो वापस से आपको
यहाँ बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो होल है इसके अंदर से आपको इसके अंदर टाइट करना है। ये लगाते ही आप देख सकते हो ये इससे अटैच हो गया एकदम अच्छे से। सेम इसी टाइप से इधर भी लगाना है। ये देखिए ये लग चुका है अच्छे से। अब अपन को इसकी सीट लगानी है। अब इसके साथ जो दो साइड ग्लास आए हुए हैं ये लगेंगे यहाँ पे। देखिए ये सिर्फ प्रेस फिट है, बहुत इजीली लग जाएगा ये, आपको बस इसको सही से टाइट प्रेस करना है सेम दोनों साइड से। हम लोग ये भी कंप्लीट चेक करते हैं, कभी कभी किसी गाड़ी में दोनों एक साइड के आ जाते हैं, दोनों लेफ्ट या दोनों राइट, तो वो कस्टमर लगा नहीं पाते तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है उनको। अब हम इसकी फ्रंट वाली मिरर ये लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे टाइट लगा दिया है। अब यहाँ पे जब प्रेस करेंगे ना तो लॉक की आवाज़ आएगी दोनों साइड, फिर आप इसको खींच के भी देख सकते हो ये नहीं निकल रहा। अब ये कंप्लीट लग गया है। अब हमारे पास बचा है एक सीट बेल्ट और एक इसकी सीट। अब सीट के दो स्क्रूज आएंगे इसके साथ ही, और एक सीट बेल्ट कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसके भी दो स्क्रूज आते हैं आपके इसके साथ, जो आप हमसे परचेस करेंगे हम सीट बेल्ट ऑलरेडी लगा के भेजेंगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है सीट बेल्ट लगाना। मगर फिर भी अगर आपके पास कहीं से लिया है और सीट बेल्ट खुला हुआ है तो उसको कैसे लगाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब ये सीट का सीट बेल्ट लगाना है अपन को। आप देख सकते हो सीट के बीचों बीच नीचे की साइड में दो स्क्रूज है, ठीक है। आपको सीट बेल्ट ऐसे रख के और यहाँ पे स्क्रू लगाना है। स्क्रूज इसके साथ आए नहीं हैं, हमने दो छोटे छोटे स्क्रू निकाले हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है, मगर ये जो सीट बेल्ट है इसके अंदर आपको ऐसे करके इस होल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब जैसे नॉर्मल फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर है उससे, ये देखिए ये स्क्रूज ऐसे आ गए, और इसको यहाँ पे रख के आप चाहे तो ड्रिल से भी टाइट कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी टाइट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल टाइट करना है। सेम इसी टाइप से इधर से भी टाइट करना है आपको। ये हमने सीट बेल्ट लगा दिया एकदम सही से। अब इस सीट बेल्ट को सीट को गाड़ी में लगाने के लिए यहाँ पे दो स्क्रूज लगेंगे। ये इसके सीट के स्क्रूज हैं यहाँ पे लगे हुए आएंगे। और अब हमको सीट लगाने से पहले एक बार यहाँ के सारे वायरिंग कनेक्शन चेक कर लेने हैं। ये जो मोटर है इस पे दोनों वायर ये सोल्डेड है सही से, चार्जिंग सॉकेट के तीनों वायर, ये जो इसका सर्किट है इस सर्किट पे सारे वायर सही से माउंटेड है कि नहीं। अब इसका बैटरी का जो वायर है ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसके दोनों वायर बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। अब देख सकते हो इसमें एक सिंगल 12 वोल्ट की बैटरी है, दो 6-6 वोल्ट की आती है या एक 12 वोल्ट की, दोनों ही सेम चीज़ है। ये जो है चार्जिंग सॉकेट से एक ब्लैक वायर निकल रहा है, ये बैटरी के आपको ब्लैक टर्मिनल पे लगाना है। जैसे ही लगाएंगे अगर गाड़ी का स्विच ऑन है जैसा कि आपने देखा तो ये ऑन हो गई। तो हम एक बार सीट लगाने से पहले सब कुछ चेक कर लेंगे कि क्या गाड़ी सही है, स्टीयरिंग के वायर सही हैं, ये स्विंग फंक्शन सही चल रहा है, ये फॉरवर्ड पे जा रही है और ये रिवर्स भी आ रही है, तो इसमें सब कुछ सही है। अब हम गाड़ी बंद करके और इसकी सीट लगाएंगे। सीट लगाने के लिए आपको पीछे ये दो स्लॉट दिख रहे हैं, ये इस होल में यहाँ पे जाएंगे। आपको धीरे से ऐसे ये होल में ऐसे बैठानी है, बहुत इजीली आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये सीट रख के आपको बस ये स्क्रू होल अलाइन करके लगाने हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, अदरवाइज ये स्क्रू सीट को तोड़ देगा। ये ना प्लास्टिक की सीट है मगर बहुत कंफर्टेबल है बच्चों के लिए। ये सीट बेल्ट भी हो गया इसका, ये पूरी हमारी गाड़ी कंप्लीट असेंबल हो गई है। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कैसे असेंबल किया,
इसके असेंबली में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इसका जो रिमोट है वो कैसे यूज़ करते हैं, इसको ऐप से कैसे चलाते हैं, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस गाड़ी को कैसे चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, कब कब चार्ज करना है, चार्ज करने पे कितना चलेगा, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पूरी कंप्लीट गाड़ी का हमने एक फीचर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें गाड़ी के सारे फंक्शन, फीचर्स, क्या क्या यूज़ है, कितना कैपेसिटी है, उसका भी एक वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस इसका जो म्यूज़िक सर्किट है उसमें ब्लूटूथ है, तो उस म्यूज़िक सर्किट को कैसे यूज़ करते हैं, उसके फंक्शंस, उसका भी हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी हमने अलग वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस गाड़ी को आप मोबाइल ऐप से भी चला सकते हैं, तो उस मोबाइल ऐप को भी कैसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, उसका भी वीडियो हमने लिंक वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर हमसे ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट है 12,400 रुपये, 12,400 रुपीज़, मेटेलिक कलर विथ शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।